वासुदेव। मुझसे क्या कहकर जा रहे हो सखार्जुन? मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन? परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। क्यों नहीं सहन कर सकते? निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे ये मुझे स्वीकार नहीं। संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहां न कुछ पाप है और न कुछ पुण्य, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। अब तो मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे अब इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, तुम्हारे सखा का भी है। इसलिए मैं तुम्हारा सखा तुम्हें इस प्रकार अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। वो कायर होते हैं अर्जुन जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूं। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। ये वीरों का काम नहीं। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिसे सिर्फ टकरा टकरा कर आदमी थक जाए तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं कि लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पा